हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही खास एक इम्पॉर्टेंट सवाल, बीएड फर्स्ट ईयर का जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मैथ हैं, जी हाँ जिनको मैथ का पेपर देना है, मैथमेटिक्स, मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। इसमें दोस्तों एक सवाल कन्फर्म आपसे ये पूछा जाता है कि रिलेशन बिटवीन द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स विद द अदर सब्जेक्ट्स, राइट। गणित शिक्षण का अन्य विषयों के साथ क्या सहसंबंध है, क्या संबंध है, इसके बारे में हर साल एक सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए इसी प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे, इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने रिसेंटली चैनल सब्सक्राइब किया है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग पहले से जुड़े हैं आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि मैथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स पैडागोजी का दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या कोरिलेशन बनता है, क्या सह संबंध बनता है। तो क्या आप सब तैयार हैं? चलिए पहले देख लीजिए कि कैसे सवाल पूछे गए, आपके अब तक सवाल कैसे पूछे गए उसको ज़रा देख लीजिए। तो आपसे अक्सर 8 नंबर में सवाल पूछता है, जैसे इसको देख सकते हैं आप, कि गणित एवं विज्ञान के मध्य सह संबंध का उल्लेख कीजिए, एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन मैथ्स एंड साइंस। दूसरे शब्दों में पूछा है, दूसरे सवाल में, कि गणित और अर्थशास्त्र के साथ क्या सह संबंध है, व्याख्या करिए, मेंशन द कोरिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो ये इस तरह के सवाल, इसके अलावा भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि गणित और कृषि में क्या संबंध है, गणित और अन्य भाषाओं में क्या संबंध है। ये सारे सवाल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वन बाय वन इसको देखेंगे बहुत ही आसान से शब्दों में। शुरुआत करेंगे कहाँ से, अगर आपसे भी एग्जाम में पूछता है तो आप कैसे स्टार्ट करें, इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, किसी अच्छे कोच के साथ स्टार्ट करिए। इससे एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो यहाँ से एक फर्स्ट इंप्रेशन आएगा एग्जामिनर के ऊपर और लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है। हर्बर्ट ने क्या कहा था, हर्बर्ट ने कहा था कि पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए जिससे एक विषय के शिक्षण में दूसरे विषयों के शिक्षण में सहायता हो सके, सहायक हो सके। यहाँ लिखा, फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि गणित एक ऐसा विषय है जिसका सह संबंध अन्य सभी विषयों के साथ होता है, बिना गणित के अन्य विषयों का अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान संभव ही नहीं कि गणित के बगैर हम इसका अध्ययन कर सकें। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी साइंस विदाउट मैथमेटिक्स। तो आप इस तरीके से बना के लिखेंगे। और एक कोर्स आप और मेंशन करिएगा, गैलीलियो ने क्या कहा था, गैलीलियो ने कहा था कि गणित वह भाषा है जिससे परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिखा है। गैलीलियो ने गणित के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में इतनी बड़ी बात कही थी। तो इसको मेंशन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और आप एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार से गणित और विज्ञान में सहसंबंध है, किस प्रकार से मैथमेटिक्स साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, करेक्ट। ये जो पॉइंट्स है आप इसको एक बार देख लीजिए, लेकिन लिखना आपको अपने शब्दों में। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि गणित तथा विज्ञान परस्पर घनिष्ठ संबंध है, ठीक है, इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छा रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। वैज्ञानिक तथ्यों का खोज करना, उसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए गणित की सहायता ली जाती है। वैज्ञानिक तथ्यों की खोज करना और उनकी सिद्ध करना, कैसे, आपने अगर साइंस के आप स्टूडेंट हैं तो आपने अक्सर पढ़ा होगा बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेस हैं साइंस में। जैसे अगर हम कहें वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये कौन सा फॉर्मूला है, कौन बता सकता है, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, पी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, ये क्या है भाई, पी क्या है, यहाँ पे मोमेंटम है, संवेग है, एम क्या है, मास है, वी क्या है, वेलोसिटी है। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे के इज इक्वल्स टू k is equals to half mv square, इसके अलावा e is equals to mgh, ये जितने भी फॉर्मूलेस हैं दोस्तों साइंस के, उसको सिद्ध करने के लिए, उसको खोज करने के लिए मैथ की बहुत आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि विज्ञान के बहुत सारे, आप इसको मेंशन करिएगा कि विज्ञान के कई सारे ऐसे नियतांक हैं, कई सारे कॉन्स्टेंट हैं, जैसे हाफ जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 meter per second square, ठीक है, ये क्या है, क्या बिना मैथ के साइंस पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। तो इसी को आप एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे कि क्या है भाई, गणित क्या है, वैज्ञानिक तथ्यों की खोज करने के लिए, उनकी सत्यता सिद्ध करने के लिए गणित बहुत सहायक है, इसकी सहायता ली जाती है, ओके। गणित इसमें विशेष रूप से सहायक है, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं अन्य विज्ञानों के सिद्धांतों को गणित की सहायता से ही हल किए जाते हैं, क्योंकि सभी प्रयोग का सत्यापन सदैव संख्यात्मक रूप में किया जाता है। एक शिक्षा शास्त्री के अनुसार गणित विज्ञान का हाथ पैर है तथा गणित के अभाव में विज्ञान की शिक्षा अधूरी है। बिल्कुल लॉजिकल बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। अगर आप केमिस्ट्री के भी स्टूडेंट हैं तो मोल की क्वांटिटी क्या होती है,
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, उसमें नंबर्स ऑफ कार्बन, नंबर्स ऑफ सॉरी नंबर ऑफ नाइट्रोजन सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, कितने उसकी बैलेंसी होती है, ये सारी चीज़ें क्या करना है आपको मैथ साथ में लेके चलना है। इसीलिए कहा जाता है कि मैथ जो है हाथ पैर होता है साइंस का, बिना मैथ के साइंस पॉसिबल ही है। तो आपको इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, और आपको कई सारे एग्जांपल्स देना है, जैसे कि आप स्मॉल जी की वैल्यू की बात कर लीजिए 9.8 मीटर पर सेकंड, इसके अलावा भी आप जितने भी वैल्यूज दे फॉर्मूलास लिखना चाहते हैं वो लिखिए। तो इस तरीके से आपको मैथ को सजा के लिखना है और दिखाना है कि मैथ और साइंस के बीच में कितना रिलेशन है, ठीक है। और हम कुछ और एक्सप्लेन कर लेते हैं जिस टेक ने, अब हम अगला देख लेते हैं दोस्तों, गणित की कृषि के साथ, मैथ का कृषि के साथ, एग्रीकल्चर के साथ क्या संबंध है। दोस्तों बिना मैथ के एग्रीकल्चर, इसीलिए तो आज अगर आप देखेंगे आप एग्रीकल्चर की भी एग्जाम्स दे जाए तो वहाँ पे भी क्या मैथ्स के सवाल रखे जाते हैं, क्यों, इसकी ज़रूरी क्यों है। अगर आपको खेती करना है, आपको कितना उर्वरक डालना है, आपको कितना अमोनिया डालना है, कितना DAP डालना है, कितना यूरिया डालना है, इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए। इवन आपका एरिया कितना है, उस एरिया को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे बाउंड्री करेंगे, उसको कैसे आप अपने संभाल के रखेंगे, इसके लिए भी मैथ की बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़े लेवल की नहीं, लेकिन हाँ बेसिक्स मैथ तो आपको आना चाहिए। तो अगर हम मैथ और एग्रीकल्चर की बात करें तो कृषि विज्ञान मुख्य रूप से गणित के ज्ञान पर निर्भर करता है। देश की कुल जन, अब आपको कौन सा फसल उगाना है, कितने मात्रा में उगाना है, बीज कितने मात्रा में डालना है, ठीक है, देश की कुल जनसंख्या का कुल उपजाऊ भूमि, बीजों की मात्रा, खाद की मात्रा, जल की व्यवस्था आदि ऐसे शीर्षक है जिनका संबंध कृषि से है, और इस विषय में गणित कृषि की सहायता करता है, ठीक है, ओके। कृषि के छात्र तथा कृषि विश्वविद्यालय पूर्वानुमान हेतु गणित का ही प्रयोग करते हैं, अर्थात अन्न या फसल उत्पादन से लेकर वितरण तक पग पग मतलब कदम कदम पर गणित का ज्ञान एवं उसका उपयोग कृषि संबंधित व्यक्तियों को करना पड़ता है। वो इससे अछूते नहीं रह सकते, वो इसके बगैर नहीं रह सकते, इसको साथ में लेके चलना ही होगा, ठीक है। तो जब आप गणित का एग्जाम देंगे, आई मीन मैथ का एग्जाम देंगे, और इस तरीके से आप बना के लिखेंगे, एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा और उसको लगेगा कि हाँ बच्चों के अंदर शब्द बनाने की ना क्वालिटी है। चलिए अब एक सवाल आता है दोस्तों लैंग्वेज, लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि प्रायः ऐसा माना जाता है कि गणित का मतलब मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स का लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन शुद्धता की ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भाषा की शुद्धता प्रत्येक विषय के लिए आवश्यक है। यदि गणित शिक्षण यहाँ ध्यान दीजिए, क्या गणित के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज, देखिए एक लैंग्वेज के लिए गणित जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा गणित के लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, तो ये भी तो संबंध होता है ना, जैसे मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हूँ उससे ज़्यादा आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो है एक दूसरे से रिलेशन तो है ही, एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पर देखिए गणित शिक्षण करते समय भाषा अशुद्ध हो तो इसका अर्थ ही अशुद्ध हो जाता है। अगर किसी को आप मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपने असेंडिंग के बजाय डिसेंडिंग कर दिया, आपने आरोही के बजाय अवरोही क्रम कह दिया, तो कितना फर्क हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है भाई, गणित पढ़ाते समय भी आपको भाषा का ध्यान रखना है। वो उर्दू में एक कहावत है कि नुक्ता के हेरफेर से खुदा जुदा होता है, तो इस तरीके से भाई बहुत ही केयरफुली आपको लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब मैं लैंग्वेज हम देखेंगे ना कि भाषा का, जैसे हिंदी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, दूसरे विषय के साथ संबंध, तो उसमें भी इस चीज़ को व्याख्या किया जाएगा कि भाषा का मैथ के साथ कैसे रिलेशन है। तो इसीलिए भाषा बहुत ज़रूरी है, चाहे आप मैथ पढ़े, साइंस पढ़े, कोई भी चीज़ पढ़े, बगैर भाषा के अगर क्योंकि लैंग्वेज गलत हो गया तो पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। अतः गणित के शिक्षण को भाषा संबंधित शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए, नए शब्द एवं उनकी अंग्रेजी परिभाषित शब्दावली बनाने जानी चाहिए ताकि नए नए गणित शब्दों के बारे में हिंदी व अंग्रेजी जानकारी मिल सके, ठीक है। चलिए अगले अगर हम कोरिलेशन की बात करें तो अगला शायद गणित का अर्थशास्त्र है, और ये आपसे एग्जाम्स में पूछा भी गया है, ठीक है। अर्थशास्त्र धन या मनुष्य की आर्थिक समस्याओं से संबंधित विषय है। इकोनॉमिक्स में आप करते क्या है भाई, अर्थशास्त्र में आप करते क्या है, अर्थशास्त्र में आप मोस्टली मैं एक्चुअली कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, मगर फिर भी इतना पता है कि डेबिट क्रेडिट, कितना जमा हुआ, कितना निकला, कितना लोन, टैक्सेस, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ता है। क्या ये सारी चीज़ें बिना मैथ के पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता पॉसिबल है, क्योंकि मैथ से ही तो आप कैलकुलेट करेंगे कितना परसेंट इंटरेस्ट हुआ, कितना परसेंट टैक्स करा, उसका प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, इन सारी चीज़ों का बैलेंस शीट डेटा आपको मैथ लेके ही चलना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा है कि अर्थशास्त्र तथा मनुष्य की आर्थिक समस्याओं से संबंधित विषय है अर्थशास्त्र, ठीक है। अब इस विषय में दोस्तों, इस विषय में अनेक सिद्धांत गणित की सहायता से सिद्ध किए जा सकते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र में संकेतों, संख्या की, एग्जैक्टली संख्या की जब बात करें, मीन, मीडियन, मोड, आपका चाहे क्या कहते हैं हिंदी में, कहते हैं बहुलक निकालना हो, मध्यमान निकालना हो, माध्यिका निकालना हो, इन सब में मैथ का कितना प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, ज्ञात करने गणित के द्वारा ही संभव है। अर्थशास्त्र में शिक्षा संबंधित सैद्धांतिक रूप दिया जाता है,
गणित द्वारा ही संभव है, अर्थात यह केवल अर्थ उत्पादन एवं श्रम आदि की ही चर्चा नहीं की जाती, बल्कि कुछ विशेष परिस्थितियों में इस तरह के कार्य होता है तथा आपसी संबंधों का भी व्याख्या किया जाता है। जैसे कैसे रिलेशन है, अब जैसे अगर हम लेबर्स की बात करें, किसकी कितनी सैलरी हुई, किसका कितना डिडक्ट करना है, तो इन सारी चीज़ों में मैथ का इस्तेमाल होना है। और इसी तरीके से दोस्तों आपको समझ के अपने शब्दों में बना के लिखना है। इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है, ये आपके विषय हैं और आपको इसमें बना कर लिखना है। और यकीन मानिए सवाल इससे पूछे जाते हैं बहुत हद तक, और बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक और गणित में क्या इस्तेमाल है। ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। जैसे आज की दुनिया पद्धति में मनोवैज्ञानिक पूर्ण रूप प्रवेश हो चुका है आज की शिक्षण पद्धति में। साइकोलॉजी, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने सीडीबी पढ़ा होगा, साइकोलॉजी पढ़ा होगा। प्रत्येक दिशा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं विधियों का प्रयोग एवं परिणाम का प्रयोग किया जा रहा है, परंतु मनोविज्ञान में गणित की महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे है? प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने कहा है कि इट इज़ नॉट ओनली द पॉसिबल बट नेसेसरी दैट मैथमेटिक्स बी अप्लाइड टू द साइकोलॉजी। आजकल शिक्षा मनोविज्ञान एवं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को संपूर्ण गणित हो गया है। अब मनोविज्ञान में आपका मैथ का क्या इस्तेमाल है? देखो, आपको कई बार आपने एक वर्ड सुना होगा IQ, बच्चे का IQ लेवल कितना है, ठीक है। इसको कहते हैं बुद्धि लब्धि। अब किस प्रकार का बच्चा है, क्रिएटिव बच्चा है, मंद बुद्धि का बच्चा है, सामान्य बच्चा है, किस तरीके का बच्चा है, आपको उसको चेक करके उस हिसाब से आपको पढ़ाना है। उस बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, मतलब मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है, मन का विज्ञान। आपको उसके मन को समझना है, उसके मन को जानना है, उसके मन को जानने के बाद आपको उसको क्या करना है, पढ़ाना है, ठीक है। इसीलिए तो इन सारे विषयों को आपके टीचर में रखा जाता है, टीचिंग सिलेबस में रखा जाता है, क्योंकि आप कल भविष्य के बहुत अच्छे शिक्षक और शिक्षिका बनेंगी तो कैसे पढ़ाएंगी, मनोवैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके बच्चों के मन को पढ़ के, मन को जान के, ठीक है। अब इसमें देखिए, मानक विचलन, सहसंबंध, वर्ग TFZ टेस्ट आदि सभी का प्रयोग मनोवैज्ञानिक हो रहा है। यह गणित के अभाव में सत्य प्रसिद्ध नहीं किया जा सकता, गणित के विज्ञान को यथार्थ बनाना है। मनोवैज्ञानिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, सांख्यिकी विश्लेषण का अभाव है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नॉर्मल है। तो आपको मनोवैज्ञानिक इसलिए पढ़ना है कि आपको बच्चों को टेस्ट करना है। एक वर्ड आता है दोस्तों, एक्शन रिसर्च मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एक्शन रिसर्च में आप करते क्या है, एक्शन रिसर्च में आप देखते हैं कि स्कूल से संबंधित समस्याओं को आप साइंटिफिक उसका प्रॉब्लम उसको हल करते हैं, राइट, उस समस्याओं का समाधान करते हैं। अब कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, आप एक लॉजिक बनाएंगे, आप उसमें एक परिकल्पना बनाएंगे, उस पर रिसर्च करेंगे। ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल, जब आपको मैथ पता हो, ठीक है, जब आपको मैथ पता हो। तो इसीलिए मनोवैज्ञानिक में भी, साइकोलॉजी में मैथ का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है आजकल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में कैसे मैथ पॉसिबल है। अगर हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, अक्सर हिस्ट्री में चीज़ें याद की जाती हैं, आप सन देखेंगे लाइक कौन से ईयर में, तो ईयर इसको संबंधित कैसे करेंगे, आप डेफिनेटली जैसे 2000, आप बर्थडे कब है आपका, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसमें ईयर क्या है, मैथ से डोनेट करेंगे। हालांकि बात पहले की है, फिर भी आपको मैथ वहाँ पे आना चाहिए। आप कितने साल के हो गए, आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं, कब तक इन चीज़ों की थी। अगर आप लॉ में भी बात करें तो लॉ में भी मैथ्स के बहुत सारे यूजेस हैं। तो भूगोल की तरह से ही इतिहास भी एक वर्णनात्मक विषय, एक्सप्लेन करने वाला सब्जेक्ट है। कुछ ऐसे तथ्य जिनको गणित के प्रयोग अत्यंत आवश्यक है, कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जो बिना गणित के स्पष्ट नहीं किए जा सकते। इस विषय में एक विद्वान ने कहा कि सांस्कृतिक विकास के लिए युगबद्ध करना अपेक्षित है तथा युगों को प्रमाणिकता सन संवत हिजरी आदि द्वारा प्रकट किया जा सकता है जो संख्यात्मक है। इस प्रकार से गणित क्या है, इतिहास के बहुत निकट है। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी क्या है, बहुत निकट है। जैसे सन, मैंने आपको इस शुरू में बताया था, सन, हिजरी, संवत, डेट याद करना, उम्र याद करना, अवधि बताना, इन सारी चीज़ों के लिए मैथ का इस्तेमाल किया जाता है इतिहास में। तो इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने इस वीडियो में बहुत सारे सहसंबंध देखे, और दोस्तों इसमें से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो विज्ञान और वो अर्थशास्त्र, इन दोनों से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ये बात हुई गणित के अर्थशास्त्र की, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इन दोनों से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अब आपको करना क्या है, आपसे जब सवाल पूछेगा, आपको मैं फिर से बता देता हूँ आपको शुरुआत कहाँ से करना है। शुरुआत दोस्तों आपको यहाँ से करना है, इस चीज़ को याद कर लीजिए, समझ लीजिए। हर्बर्ट ने क्या करा था, पाठ्यक्रम के विषय को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए कि उसका एक विषय का शिक्षण दूसरे विषय के शिक्षण में सहायक हो सके, ठीक है। आपने यहाँ से शुरुआत करी। अब जिस विषय के साथ सहसंबंध बनाना है, अगर विज्ञान के साथ बनाना है, तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, कारण देंगे कि क्यों गणित, क्यों मैथ साइंस के साथ, साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों कैसे कनेक्टेड है।
अगर इकोनॉमिक्स से पूछे तो आपको बताना है कि ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से बता के आपको एक्सप्लेन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट देने की कोशिश करेगा, हेडिंग देने की कोशिश करेगा, क्योंकि हेडिंग से एग्जामिनर चेक करते हुए आगे निकल जाते हैं। ओके, तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, कुछ आइडिया लगा होगा कि लिखना कैसे, सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ही सहायक है, इंपॉर्टेंट है, एक सवाल तो आपसे पूछा ही जाएगा। सो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुछ ऐसे भी लोग देख रहे हैं जिनका बीएड से कुछ लेना देना नहीं है, ना बीएड को उनके एग्जाम देना है, मगर फिर भी वो मुझसे जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है आपका इस चैनल पे, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, आपका भी और उन लोगों का भी जो कि जिन्हें एग्जाम देना है बीएड फर्स्ट ईयर का। सो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। हमारा और आपका साथ इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक, आगे साथ इस वीडियो और इस वीडियो के बाद भी बना रहेगा, उम्मीद करते हैं चीज़ें अगर सही हुई तो। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएँ दे दीजिएगा, अपना फीडबैक दे दीजिएगा और आप भी दे दीजिएगा। और दोस्तों अगर अच्छा लगा हो, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, और पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आप अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये बात पहुँचे और उनके साथ भी भला हो सके, उनके साथ भी कुछ अच्छा हो सके और वो भी एग्जाम्स में अच्छा कर सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।